भाई टटकिया मटकिया इन लोग की धोती बिल्कुल साफ हो गया, साफ सुथरे हो गया। अब टटकिया मटकिया नहीं करना भाई, पहले बता। अच्छा भाई डक्की की भाई कैसे खाते हैं? डक्की भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई कैसे हैं आप लोग? आज का जो टॉपिक है मेरा, ये टॉपिक है कि पूरा दिन मैं आज क्या करने वाला हूँ और क्या करता हूँ। तो फजर के टाइम मैं उठ गया था, 6:35 पर उठ गया, 40 मिनट पर नमाज थी तो मैं नमाज़ पढ़कर आया। तो अभी मैं 7 बज रहे जो मैं अभी व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने। पूछा मैंने कुछ? तो आज पूरा दिन जो जो मैं करूँगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि पूरा दिन मैं क्या कर रहा होता हूँ। और बकाया जो हमारा मिशन था, ये वाला मिशन था, ये कम्प्लीट हो रहा है, अभी तक पूरा कम्प्लीट हुआ नहीं है। ये इसका क्या नाम, इधर दिखाता हूँ, ये हमारा बन रहा है वाशरूम, वो है किचन, ये किचन है, ये भाई ने निशान मारा होता पूरा किचन का ना, ये दीवार गली खड़ी की है, ये ईशान ने और भाई ने मिलकर, ये दीवार वो दीवार और ये दीवार ना, ये कल पूरा डिज़ाइन मारा होता, यानी कि नक्शा बनाया होता कि क्या क्या करना क्या क्या नहीं करना। ये किचन है पूरा, अभी इसके ऊपर भी दीवार चढ़ेगी मेरे ख्याल से, उसके वहाँ तक दीवार जाएगी और उसके नीचे तक दीवार जाएगी, ये पूरी दीवार भी चढ़नी है, ये पूरी यहाँ से पूरी दीवार उठेगी। अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, नहीं जाने, अल्लाह करे रमज़ान से पहले हो जाए, ठीक है। और ये है कमरा, और एक ये है कमरा, ये ऊपर बेड आएगा, और ये पूरा कमरा है। और बका ये है अलमारी, ये अलमारी ये इस्त्री करने वाली जगह है। और बकाया ये यहाँ पर ऐसे ही मतलब कि कपड़े धोए जो करना करे। और बकाया ये पूरी जगह ये है ना। तो ये मिशन हमारा अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं, ये मिशन कंप्लीट होगा। और अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं किया, शुक्र स्कूल की छुट्टियाँ भी ख़त्म हुई। पहले फजर के टाइम उठ जाता था तो नाश्ता जल्दी नहीं मिलता था क्योंकि सारे सो रहे होते। अब बाजी उठ जाती है, नाश्ता देगी, नाश्ता करूँगा, उसके बाद पूरा दिन जो जो करूँगा वो आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। और बकाया अगर इसी व्लॉग में अगर आप मेरे व्लॉग में नए हो तो बकाया इसी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और बकाया मेरे साथ वीडियो में रहिएगा, आगे आगे बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। जो मैं बेइज्जती होने जो मैं रेगुलर होने वो सारा कुछ दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लो। चल झूठा, कुछ छुपाऊंगा नहीं, ठीक है। अभी चलते हैं, वेट करते हैं नाश्ते का। 30 minutes later. तो गाइस बाजी ने उठते साथ ही बोल दिया कि 5 पराठे लेकर आओ, छोले लेकर आओ। अभी पराठे और छोले लेने जा रहा हूँ। बाइक तो ये खड़ा हुआ है, अभी उसको बाहर निकाल लेना और ले। 10 hours later. गाइस पराठे लेकर आ गया पूरे 10 मिनट बाद। नाश्ता लगा। तेरा बाप ने होटल खोल रखे है। भाई नाश्ता तो कर लिया, अब चाय आ गई है, चाय पी ले। और तो भाई कब से मैं बिस्तर में लेटा हुआ था तो मैं तो भूल ही गया कि मैंने 2 बच्चे ले रखे जो पार रखे, उनको खाना डालना है ये बिस्तर की। तो खुद तो नाश्ता कर लिया लेकिन उन लोग को बेचारों को नाश्ता नहीं दिया। अभी उन लोग के पास जाते हैं, उन लोग का चेक करते हैं क्या नाश्ता पड़ा है क्या नहीं पड़ा है। चलो दिखा तुम बच्चे तुम्हारे। तो की हाल है? तो भाई ये तो हमारे बच्चे जो हम ये बहुत डरते बहुत हैं इनके, मतलब कि ये जब लिए थे ना तो मामू के घर पर ही थे, मामू के घर से लेकर आया हूँ। तो इसको जो है ना ट्रेन नहीं किए गए, मतलब कि ये बोलते नहीं है अभी तक, मतलब क्या पकड़ो तो काटते। तो ये वो दो हरे कलर के जो तोते होते हैं, और दो ये भी लेकर आए फिंचे जो ये एक अंदर बैठी है, दोनों ही अंदर बैठी हुई, नहीं एक वो चिपकी हुई है। ये दोनों चीज़ें हम लेकर आए मामू के घर से। अभी इन लोग का खाना डालना है, इन लोग की टट्टियाँ धो, अपनी टट्टी तो सही तरह धोई नहीं धोई नहीं है अभी तो, इन लोग की धोनी पड़ती है। परसों साफ किया था, देखो फिर इन लोग का गन बहुत टट्टियाँ करते हैं। इतनी टट्टियाँ क्यों करते हो? चुप कर बे कुत्ते, बता नहीं रहे। अच्छा अभी इन लोग का पानी भी चेंज करना है और इन लोग का बाजरा भी डालना है। काफ़ी टाइम से इन लोग को भुट्टा भी नहीं डाला, भुट्टा भी लेकर आना है, एक हफ्ते से ख़त्म था। तो अभी भुट्टा लेकर आता हूँ ममदाबाद से, फिर इन लोग की टट्टियाँ साफ करता हूँ। तो भाई भुट्टा लेकर आ गया हमें, ये भुट्टे लेकर आया हूँ पूरे 2 किलो, अभी ये चलेगी 3-4 दिन। अभी इन लोग की टट्टियाँ साफ करता हूँ, उसके बाद इन लोग को खाना डालूँ। भाई टटकिया मटकिया इन लोग की धोती बिल्कुल साफ हो गया, साफ सुथरे हो गया। अभी टटकिया मटकिया नहीं करना भाई, पहले बता। और ये पूरा भुट्टा और बकाया भुट्टे यहाँ मैंने नीचे रख दिए,
ये बुट्टा मैं इन लोग को पूरा तालता हूँ, ये लोग पूरा आराम सुकून से खा लेते हैं। जा भाई चल। मिर्ची पहले डाली थी हरी वाली ना, वो तो खाते नहीं है, एक बार खाई उसके बाद नहीं खाई। ये डाल के देखता हूँ, अगर ये खाए तो ठीक है, नहीं तो दोबारा ये भी नहीं डालूँगा। और तीन ये वापसी इसके नीचे रख देता हूँ, और इन लोग को ये डाल दूँ पानी, जब मिर्ची लगे तो ये लोग पानी पी लें। तो भाई तुम लोग का खाना रख दिया, अब मैं जा रहा हूँ, बाय बाय टाटा, खाना खा लेना टाइम से। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। भाई अभी 10 बज रहे, मैं दुकान पर आ गया हूँ, अभी मैं यहाँ पर कब तक बैठूंगा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अभी यहाँ पर ही हूँ, जब तक हूँ अब तक। 6 hours later। तो गैस दुकान से फारिग हो गया था, तो उसका मतलब कि अभी बज रहे यानी कि 8 बज रहे, उसके बाद जो है ना मैं वीडियो नहीं बना पाया, भाई के साथ चला गया था मैं गोल्डन मार्केट, तो इस वजह से वापसी आया तो कोचिंग गया था, कोचिंग लेट हो रहा था तो जो है ना उसकी भी वीडियो मैं नहीं बना पा रहा था, लेट हो रहा था बहुत, तो इस वजह से मैं डायरेक्ट चला गया। तो वापसी आया मगरिब के बाद 7 बजे के टाइम, नमाज वमाज पढ़ी ईशा की, तो अभी मैं फारिग हुआ, कपड़े वपड़े मैंने चेंज किए, तो अभी खाना भी नहीं खाया, अभी क्या करूँगा आगे वो सारा कुछ बताऊँगा। अभी अभी तो फिलहाल नीचे बाहर जाता हूँ, देखता हूँ कौन तो होशियार बैठे हैं कौन नहीं बैठा, वहाँ जाता हूँ। ये कौन है? और भाई क्या हाल है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुने? शर्मा रहे हो क्या, वड़ गया क्या? खैरियत है? आप सुने भाई, मैं सुबह से व्लॉग बना रहा हूँ। एहसान नहीं कर रहे हमसे, बने तुम लोग को इंटरटेन करने के लिए। इंटरटेन की स्पेलिंग सुनाओ। वही तो नहीं आती भाई, मैं बोलो दरअसल मैं हो रहा था बोर, मैं बाहर देख जाके देखता हूँ कौन से नमूने बैठे, तो तुम जैसे नमूने मुझे दिखे। कंट्रोल, खड़े हुए बैठे हुए मतलब खड़े हुए ना वो, तुम अब क्या बोले। अच्छा तो सीन ऐसा है कि कोई सीन बनाए, कहीं जाने का बनाए, कहाँ चले, कहीं भी चलते हैं, मोहित के घर का बनाओ सीन। वही अभी घर का सीन है, चोर डाले कहाँ, क्या खिला दो, बताओ सीरियस बताओ, कहाँ यस 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 खाने चलते भाई, कौन खिला रहा है पिज्जा? हाँ सब डिवाइड करके खा लेंगे भाई, चले फिर पिज्जा खाने, चलो चलो। पर मैं खिलाऊंगा नहीं, हाँ हाँ अगर पैसे दोगे तो खिलाऊंगा। हाँ देंगे देंगे, गाड़ी मेरे पिज्जा के पैसे तुम दे देंगे ना भाई। ये गाड़ी मैंने मेरे बाप ने खरीदी है, ठीक है, तो इसी गाड़ी पे हम लोग जाएंगे अभी, खाली तुम पिज्जे के पैसे दे, उसके बाद जो है ना पहले टायर साफ करो गाड़ी के, फिर जो है जो गाड़ी का गेट खोलो गाड़ी भाई। तो अभी हम चलते हैं पिज्जा खाने के लिए, ठीक है, मर्सिडीज हमारी वो खड़ी है पीछे साइड पर, अच्छा बाइक पर, ठीक है, चलो भाई गरीबो। पिज्जा वाले के पास आ गए, आपके पप्पू के लड़के ये लोग, अच्छा यार अभी आपको पिज्जा खिलाएगा, अच्छा फ्री का, आप उसको बोल देना फ्री का खिला दो, आपको पिज्जा खिला दो। मैं भाई देखो कौन सी डील लगी हुई है, आप तो गरीब लोग हो, आपको मैं खिला, गरीब लोग नहीं आप, गरीब लोग हो आप, डील की बात आपने की हमने नहीं, आपने शुरू में बोला था बाइक में डील अच्छी लगी हुई, तो भाई चेक करो इसमें क्या लगा हुआ है। I was late. डील डन हुई है, क्यों बप्पी, ठीक है सही है भाई, डन है हाँ। अच्छा तो कौन सा फ्लेवर मंगा दें? एक चिकन मंगा लो, और एक आप मुहिब बना देगा, मुहिब आप बताओ, अफगानी हाँ, मेरा तो एक टिक्का आ जाएगा। अच्छा मैं एक टिक्का आ जाएगा, तुम्हारा भतीजा आएगा था तो भतीजा बोल लेते। 30 minutes later बाद पिज्जा आ गया भाई, भाई सफिया काट के दो, तरीको के तरह काटना, काटो ये भूख लग रहा है भाई, तरीको कटा हुआ है, कभी खाया है पिज्जा? ठीक है गाइस ये दूसरा पिज्जा आ गया, अभी तक हमारा एक खत्म नहीं हुआ, ये दूसरा आ गया, उसको क्यों दिया? वो मांग रहा था, कह रहा था ये गरीब पहली दफा आया क्या जो से तू भाग रहा है, और नहीं आया अभी, इसके बाद एक और भी आएगा। सर भाई डक्की की भाई कैसे खाते हैं? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ, ऐसे पकड़ते छोटा है, छोटा इतना बड़ा नहीं, छोटा खा, छोटा छोटा बड़ा खाते हैं वो, बड़ा खा वो बड़ा पता
क्या बढ़िया था गुरु मजेदार भाई। गरीबों ने तीन पिज्जे मंगवाए थे लेकिन तीन हमसे खाए नहीं गए। एक एक डब्बा मेरे हिस्से में है, दो डब्बे उसके हिस्से में है और दो डब्बे उसके हिस्से में है। क्यों भाई? तो अभी मेरे हिस्से में बोतल आई है बेटा, तुम्हारे को बोतल ही तुम्हारे को समझ गया ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? चले अब अभी पैसे निकाल के दो। शाबाश, ये देखो ये बोतल घर पे लेके जाऊंगा। भाई अभी मैं आया हूँ भाभी के घर, उन लोग को मैंने घर छोड़ दिया और बोतल और पिज्जा इन गरीबों को खिला दे। खाना है पिज्जा फातिमा? पिज्जा खरीद खाना है। तुम्हारा यही काम है, बुक को कभी पढ़ना नहीं, बस इसी चीज में घुसे रखना। बस तुम्हारा और कोई काम है? हाँ क्या काम है? हाँ कोई नहीं, पढ़ती 24 घंटे यही देखती रहती। 15 मिनट्स लेटर। तो भाई मैं घर लेकर आ गया, तो अभी मैं कमरे में बैठा हूँ, अभी मैं सोने की तैयारी में लगा हूँ। पूरा दिन मेरा शुरू हुआ और एंड हुआ वो सारी मैंने वीडियो बता दी और बकाया इसी वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें और वीडियो मत देखिए तो कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।